अगर डिप्टी कमिश्नर को भी आप ऑन बोर्ड लेते हो और जिसने परमिशन दी थी वो ये कहता कि हाँ भाई ठीक है मैं मीटिंग में था और कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, समझ में आती है बात? डिप्टी कमिश्नर के इल्म में नहीं है, डिप्टी कमिश्नर हैरत का इजहार कर रहा है, उसका असिस्टेंट कमिश्नर कह रहा है मेरे रबते में ऐसी कोई बात ही नहीं है, और वो हमसे कह रहा है कि आप जो एसएसपी या जो डीएसपी वहां ग्राउंड में गए हैं उनसे कहिए कि आप कैंसिलेशन का मुझे वो दीजिए ऑर्डर, आप उनसे कैंसिलेशन का ऑर्डर मांगिए। जब आपकी इस पुलिस फोर्स और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है और आप अगर कोई थ्रेट है और डिप्टी कमिश्नर का कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे तो यहां पर क्या तासुर देने की कोशिश की जा रही है? मेरे साथ जहर ज्यादती की गई, मैं तसादुम कर ही नहीं सकता और करना भी नहीं चाहता, इसलिए कि माजी में जो कुछ हुआ है वो उसको दोहराना इस कौम को मजीद तबाही की तरफ लेके जाना है। मैं बगैर किसी तसादुम के, बगैर किसी एहतजाजी सियासत के, मैं अपनी महाजर कौम को आपके तवसुस से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं आखिरी सांस तक अपनी कौम को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म करने की जद्दोजहद करता रहूँगा। मेरी कौम बड़े इज्तिमा से अगर उसको रोका भी जा रहा है तो वह आज से फैसला कर ले कि हमने सीना बसीना ये पैगाम अपनी कौम को देना है, महाजिर माओं को, बहनों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, कि महाजिर किसी के साथ नफरत ना करे लेकिन अपनी कौम के साथ मोहब्बत दिल भर के करे और अपने आप को अपनी कौम से इस तरह जोड़े कि लोग जो हमें तकसीम करने की साजिशें कर रहे हैं वो कभी कामयाब ना हो बल्कि ताने देने वालों को उनके मुंह की खानी पड़े। और 2018 का इलेक्शन चाहे उस वक्त तक हमें सियासी सरगर्मियां ना करने दी जाएं, 2018 के इंतखाबात में महाजिर कौम को यह साबित करना पड़ेगा कि महाजिर कौम तकसीम नहीं है। मैं किसी के खिलाफ आपको अपनी अपने वोट के इस्तेमाल का नहीं कहूंगा लेकिन आपको यह जरूर कहूंगा कि ऐसे अफराद को महाजिर वोट का हक नहीं है जो महाजिर कौम को तस्लीम नहीं करते, जो महाजिर कौमियत से इनकार करते हैं। मुझे